फ्रेंड्स, बरसात के दिन हो, मनी प्लांट नहीं लगाई जाए या मनी प्लांट की सेटिंग नहीं की जाए, ऐसे हो कैसे सकता है। जी हाँ, मनी प्लांट के बिना हमारा गार्डन ही अधूरा है, गार्डन अधूरा है और मनी प्लांट जो है इस मॉस स्टिक के बिना अधूरी है। आप सब जानते होंगे दोस्तों कि मॉस स्टिक जो है कैसे बनाई जाती है, चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सभी जानते हैं ना। जी इसके लिए मैंने लिया है ये प्लास्टिक। जी कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के काम के बाद जो पाइप बच गई थी, बस मैंने उसी से सोचा कि ये मॉस स्टिक बना लेते हैं। देखिए, सुनीता शर्मा बना रही है मॉस स्टिक कुछ इस तरह है से। इसके लिए मैंने क्या क्या काम में लिया दोबारा से दोहरा लेते हैं। घर पर पड़ी भी प्लास्टिक की ये डंडी और साथ में ये नारियल की रस्सी, जी दोस्तों दोनों ही घर पर आराम से मिल जाएंगी, और नहीं भी मिले तो किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर ये इजीली मिल जाती है। चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें काफी वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है। ये नारियल की बनी होती है ना, नारियल की जो रस्सी जैसी होती है, नारियल की जो जटाई होती है, उससे ये जो है बनती है मॉस स्टिक। तो थोड़ा सा इस तरह से बनाना है। तो इसमें क्या होगा कि वाटर होल्डिंग की काफी कैपेसिटी होती है, और इसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन लेना होता है मनी प्लांट को, वो इसे ले लेती है और काफी पानी जो है ये होल्ड करके रखती है। चलिए अब बिना टाइम बर्बाद किए हुए बना लेते हैं इसको फटाफट से। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके ये हो गई हमारी मॉस स्टिक तैयार। ये मैंने प्लास्टिक की पाइप पता है किस लिए ली है फ्रेंड्स, एक तो घर पर बची हुई थी ताकि वेस्ट से बेस्ट बन सके, और दूसरा यदि मैं लकड़ी की लेती, आप लकड़ी की भी ले सकते हैं, लेकिन लकड़ी की लेते तो क्या होता है कि इसको थोड़ा सा दीमक लगने की या फंगस लगने के चांसेस रहते लकड़ी के अंदर, क्योंकि इसको हमें गमले के अंदर किसी भी पोर्ट के अंदर टांगेंगे लगाएंगे तो वो मिट्टी के अंदर रहेगी और मिट्टी हमारी गीली रहेगी, तो इसलिए कोई भी किसी भी तरह के फंगस से या पानी से ये सड़ जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसे लिया है प्लास्टिक का। और चलिए ये बन करके हो गई हमारी मॉस स्टिक तैयार, घर के वेस्ट से बना है बेस्ट। जी गार्डनिंग का अगर शौक रखते हैं तो आपको करना होगा कुछ ऐसा ही, घर के बचे हुए डिब्बों से आप प्लांटर बनाइए और इस तरह से बची हुई पाइप से और रस्सियों से बनाइए मॉस स्टिक। अब मेरी मनी प्लांट इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेगी और इसी से लिया हुआ न्यूट्रिशन ग्रहण करेगी। दोस्तों सोचती हूँ वीडियो लगी होगी मेरे दोस्तों को अच्छी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों बन गए ना मॉस स्टिक, बात तो बात में, हाँ इस तरह से घर पर ही बनाइए। ये जो आप रस्सी लें वो जरूर ध्यान रखिए आप नारियल की हो, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग की काफ़ी कैपेसिटी होती है, और काफ़ी ये जो ऐसी चीज़ें हम लोग काम में लेते हैं ना, नायलॉन की लेने से बचें और प्लास्टिक की तो बिल्कुल भी नहीं लें, क्योंकि ना तो उसमें होल्डिंग पावर होती है और ना ही कोई वो किसी तरह का न्यूट्रिशन हमारी मनी प्लांट को मिलता है। तो अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी मनी प्लांट जो है इसमें बस लगेगी और साथ ही साथ में अपनी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। इस तरह की मॉस स्टिक के ऊपर जब हम कोई मनी प्लांट लगाते हैं तो देखा होगा दोस्तों आपने काफी बड़े बड़े पत्ते आते हैं। तो चलिए अब दीजिए इजाजत, सुनीता भी से बांध देगी यहाँ, जी किसी भी रस्सी से, या आप ऐसी सेलो टेप लगा दे कि वो खुले नहीं, बस ये ध्यान रखना है। अब दीजिए इजाजत, बातें ज्यादा नहीं करनी क्योंकि आगे जो इसको लगाना है। जय हिंद, जय भारत।